हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, विशेष देना चाहती हूँ कि इस नवरात्रि सबका मंगलमय हो। जो महामारी हमारे देश में फैली हुई है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाए। इस समय मैं बेटी को जो है फीडिंग करा रही हूँ, उसे बॉटल से दूध पिला रही हूँ। तो मैंने कहा साथ ही साथ आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कोरोना से रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हो कोरोना की वजह से पूरे देश में पहले जो है जनता कर्फ्यू हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ और अब कर्फ्यू पूरा लग चुका है। तो सबसे पहले डोंट पैनिक, बी सेफ, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी प्रिकॉशंस जो कि जैसे ही आप सबको पता होंगे जो बताए जा रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो है जैसे कि कर्फ्यू लग चुका है तो जितनी भी आप अभी तो शॉप्स खुल रही किराने वगैरह की, तो जितना भी आप राशन पानी जो भी चीजें हैं, फूड एंड जितनी भी चीजें हैं, जितना स्टोर कर सकते हो मिनिमम, जैसे कि आटा दाल चावल तेल ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए, तो इसको अच्छे से आप स्टोर करके रख लीजिए। हम लोग ने भी जो है 5 से 6 बॉटल तेल रख लिया है, 20 किलो आटा ले आए हैं और आलू वगैरह, मतलब जो बेसिक चीजें हैं जिसकी कुछ ना हो तो इतना तो हाँ कम से कम रोटी सब्जी बना के आप रह सकते हो घर पे। अगर ये और ज्यादा आगे बढ़ता है तो इनकेस, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन अपनी करके रखिए। जो कोई नहीं जानता ये कब तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं जून तक भी जा सकता है, तो अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसलिए अपनी सारी व्यवस्था करके रखिए। और आज का व्लॉग जो है मैंने थोड़ा सा शूट किया था, बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ जितनी मोमेंट शूट कर पाई हूँ, उसका व्लॉग जल्द ही आएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और पैनिक मत होइए, प्रिकॉशंस रखिए, हाथ अपने हैंड वॉश करते रहिए, क्लीनिंग कर सफाई का बहुत ध्यान रखिए अपने घर पे। और बाहर से आने के बाद कोशिश करिए कि अब जैसे गर्मी आ गई है तो नहा ही लें, नहीं तो और जो कपड़े पहन के बाहर जाते हैं आप वो कपड़े अपने वॉश करके रखिए। तो बस यही आपको मैसेज देना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।